हेलो स्टूडेंट्स, ये जो गाइनोशियम वाला वीडियो आपने देखा था उसी के कंटिन्यूएशन में है ये दूसरा वीडियो भी। उसमें हम लोगों ने ओवरी तक बात की थी कि ओवरी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनमें कौन कौन सी बातें होती हैं जिनको हमको नोट करना होता है। अब हम बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल क्या चीज़ है? ओवरी और स्टिग्मा के बीच की जो पतली संरचना है, ओवरी और स्टिग्मा के बीच की जो पतली संरचना है इसको हम स्टाइल कहते हैं। जनरली ये स्टाइल क्या होती है? इस स्टाइल के अंदर से पॉलन ट्यूब, पॉलन जो यहाँ पर आते हैं वो जब जर्मिनेट करते हैं तो पॉलन ट्यूब इसके थ्रू होती हुई आती है और ओवरी में एग तक पहुँचती है। तो ये स्टाइल का काम होता है कि पॉलन ट्यूब को, जिसके अंदर की मेल स्पर्म होते हैं, उनको ठीक से ओवरी तक पहुँचाने का काम करती है। तो ये जो स्टाइल होती है ये डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। ये लंबी हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं और मोटी हो सकती हैं, स्टाउट हो सकती हैं, ठीक है, स्टिकी हो सकती हैं। अब जैसे ये इसमें मालवेसी में अगर आप स्टाइल देखो तो वो कहाँ पाई जाती है? जो स्टेमिनल ट्यूब होती है उसके अंदर एक चिपचिपी सी पतली सी धागे जैसी संरचना पाई जाती है जो कि स्टाइल होती है, जिसके भी अंदर पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करके सेफली आगे बढ़ती है, कहाँ? एग तक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टाइल होती हैं, ये स्टाइल जैसे मैंने आपको बताया छोटी हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, लेकिन कुछ स्टाइल जो हैं वो काफ़ी विशेष हैं और आपसे बार बार पूछी जाती हैं। जैसे आप ये वाली स्टाइल देखिए, ये क्या है? ये कहलाती है गाइनो बेसिक स्टाइल, ठीक है। तो ये क्या है? स्टाइल जो है वो यहाँ से निकल रही है, ये ऐसे यहाँ से निकल रही है गाइनोशियम के बेस से, ठीक है। तो क्या कहलाती है? गाइनो बेसिक स्टाइल। तो ये जो गाइनो बेसिक स्टाइल है ये फैमिली लेमिएसी का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि लेमिएसी में किस तरह की स्टाइल पाई जाती है, या गाइनो बेसिक स्टाइल किस में पाई जाती है, या गाइनो बेसिक स्टाइल किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे ये गाइनो बेसिक स्टाइल है उसी तरह से एक स्टाइल होती है हमारी स्टाइलोपोडियम। ये देखो स्टाइलोपोडियम, ठीक है। तो स्टाइलोपोडियम में क्या होता है? स्टाइल, ठीक है, ये मान लो ये स्टाइल है, ये स्टाइल, ठीक है। पोडियम माने पैर, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, फिर ओवरी शुरू होगी, ठीक है। या एक स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो स्टाइल हो गई और ये फिर हो गया स्वेलिन स्ट्रक्चर, पोडियम, ठीक है। तो ये पूरी स्टाइल है यहाँ तक। तो ये क्या है? पोडियम, पोडियम माने पैर। तो ये क्या कहलाता है? स्टाइलोपोडियम। अब ये किस फैमिली में पाया जाता है? ये स्टाइलोपोडियम करेक्टरिस्टिक फीचर किस फैमिली का है? यह है एपीएसी। एपीएसी में कौन कौन से पौधे आते हैं आपके? सौंफ, जीरा, ठीक है। तो स्टाइलोपोडियम किस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है? फैमिली एपीएसी, ठीक है, और स्टाइलोपोडियम कहलाता है, ठीक है। तो दो विशेष तरह के कौन से हो गए हमारे? एक तो हो गया गाइनोबेसिक स्टाइल जो फैमिली लेमिएसी का करेक्टरिस्टिक फीचर है, और दूसरा हो गया हमारा स्टाइलोपोडियम, ठीक है, जो आपका फैमिली एपीएसी का करेक्टरिस्टिक फीचर है। देखो यहाँ लिखा है व्हेन द बेस ऑफ द स्टाइल इज स्वेलन टू फॉर्म अ पैड लाइक स्ट्रक्चर एज इन कोरिएंडरम, धनिया, ठीक है, और फैमिली एपीएसी। अब हमारी स्टाइल की भी बात हो गई, जिनमें दो विशेष बात आ गई, स्टाइलोपोडियम और गाइनोबेसिक स्टाइल। अब हम बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा का क्या काम होता है? स्टिग्मा का काम होता है पॉलन को कैच करना, ठीक है, और पॉलन को जर्मिनेट करने के लिए बहुत जो केमिकल्स हैं उनको प्रदान करना ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और पॉलन ट्यूब जो है वो एग तक पहुंच जाए। तो डिफरेंट तरह के स्टिग्मा जो है वो पाए जाते हैं। जैसे अब ये देखो ये कैसा है? कैपिटेट, कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कैसा है? ये प्लूमोज, फेदरी हेयरी लाइक, ठीक है। तो ये जो फेदरी हेयरी लाइक प्लूमोज स्ट्रक्चर है ये फैमिली ग्रेमिनी, ठीक है, गेहूं
कुल का जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है। जब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था अस्टिलागो, याद आया कुछ? तो अस्टिलागो के जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते थे वो इन्हीं फेदरी स्टिग्मा में फंस जाते थे, ठीक है, और फेदरी स्टिग्मा में फंस के जर्मिनेट करते थे और जर्मिनेट करके ओवरी में आकर के बैठ जाते थे, ठीक है। तो ये जो फेदरी स्टिग्मा है ये इनका फैमिली ग्रेमिनी का करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद है डिस्कॉइड टाइप, यानी डिस्क सी लगी हुई है इनके ऊपर, ये आपको दिखेगा मालवेसी में या गुड़हल में, आप देखें तो इस तरह के डिस्क लाइक स्टिग्मा पाए जाते हैं। ये कैसा है? ये डम्बल शेप्ड है, ठीक है। इसमें ये कई बार एपोसाइनेसी में पाया जाता है और ये कर्व मुड़े रहते हैं और इसके पॉलन जो है वो यहाँ आकर के बैठते हैं और यहाँ से जर्मिनेट होकर के फिर स्टाइल में जाते हैं। ये कैसा है? लीनियर, सीधा खड़ा हुआ है और थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। ये कैसा है? रेडिएट, इसमें ये रेज सी निकल रही हैं, ठीक है, जिसमें पॉलन जो है वो अटक जाते हैं। ये क्या है? बाइफिड स्टिग्मा, यानी आगे आकर के दो भागों में बट गया है। ये फैमिली कंपोजिटी में पाया जाता है और उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है बाइफिड स्टिग्मा। ये है आपका कैपिटेट, फिर कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये है आपका लैमिलेट, ठीक है, यानी पतली परतों जैसे ये दो या कई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन पर कि पॉलन आकर के बैठते हैं और जर्मिनेट करके थ्रू स्टाइल कहाँ पहुँचते हैं? एग तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये आपका गाइनोशियम के करेक्टर्स जो हैं वो पूरे हुए। और इनके अलावा कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कुछ आपको जानना हो, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।